नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। और आज का जो वीडियो है यूनिट 7 से संबंधित है। इसमें साइंस और एनवायरनमेंट सब्जेक्ट आपको पता है, क्विक रिवीजन क्लास है और टेस्ट सीरीज डिस्कशन की क्लास है। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। और जल्दी से जल्दी आपके लिए ये वीडियो लाया जाता है ताकि आप कम समय में सारे क्वेश्चन देख लें, ठीक है। तो और इसके बाद अपन यूनिट 2, यूनिट 9 और यूनिट 10 देखेंगे, तो उसका रिवाइज कर लीजिएगा और उसके बाद आप टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक है। और जिन लोगों के नंबर कम आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप लोग बहुत सारे लोग क्वेश्चन लगाते हैं और फिर उसके बाद आप लोग ये रहता है कि आप लोग में कुछ लोग इसमें चेक भी करते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं। तो 60 से 70 जिसके आ रहे हैं कोई इशू नहीं है। आप लोग अभी जैसे जैसे वीडियो लगाते जाएंगे, जैसे जैसे रिवाइज करते जाएंगे, 60 से 70 वाले यहाँ पर 70 से 75 के बीच में जंप करते चले जाएंगे। तो जितने जो लोग सतत प्रयास करेंगे, रेगुलर रहेंगे इस सब चीज़ों में, उनका ये मान लीजिए कि 5 से 10 क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे। तो लास्ट स्टेज में जब आपके सामने FLT की 2 साइकिल हो जाएगी, तब आप देखेंगे कि जो 60 वाले थे वो 80 तक पहुँच गए हैं और जो 70 वाले थे लगभग 85 तक पहुँच गए हैं, और 50 और 60 वाले लगभग 70-80 के बीच में आ जाएंगे। तो आपको लगातार इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज देख लिया कल छोड़ दिया, कल देख लिया परसों छोड़ दिया, ये स्टेज नहीं चलेगी, ठीक है। रेगुलर रहना पड़ेगा और अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेहनत बहुत करनी है आपको, ठीक है। MPPSC है ये, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है। तो पहला और दूसरा, पहला देख लीजिए, हृदय अपसर्व आवृत्ति पर कंपन करता है, पहला ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। थर्ड बोल रहा है, आण्विक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। और फोर्थ बोल रहा है कि पानी में पड़ी हुई परख नली का चमकीला दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, ये बोल रहा है। तो कौन सा गलत हो जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। लगभग डी नंबर का क्वेश्चन है जो गलत है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जल से भरे हुए बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह परिघटना प्रकाश के किस गुण के कारण होती है। सेकेंड नंबर का, तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य के किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, राइट आंसर देख लेते हैं सीधा, जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि आपको जल्दी मिल जाए। एक्टिनोमीटर होता है। जिन मिश्रित द्रव्यों के कथनांक में बहुत कम अंतर होता है, उन्हें निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा पृथक या अलग किया जाता है, पूछा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हो जाएगा प्रभाजी आसवन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। प्रभाजी आसवन जैसे मिट्टी का तेल, शुद्ध डीजल, शुद्ध पेट्रोल डीजल, ये सब इसी से हटाए जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वैसोप्रोसिन के बारे में बात हो रही है। और ये क्या कार्य करता है, यदि आप इसको जानना चाहें तो ये हार्मोन जो होता है ना, वृक्क जो किडनी होती है कि मूत्र वाहिनियों को जल पुरावशेषण करने के लिए प्रेरित करता है और जल शरीर के संतुलन में सहायक होता है, ठीक है। तो ये वैसोप्रोसिन हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केंद्रीय फसल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, पूछा गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर त्रिवेंद्रम हो जाएगा। क्लोरीन द्वारा किसी पदार्थ का विरंजीकरण करने के लिए, ये के पश्चात क्लोरीन के आधिक्य को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया गया पदार्थ क्या कहलाता है, पूछा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा प्रतिक्लोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सत्य कथन का चुनाव भी करना है यहाँ पर। तो सेवाल को पारिस्थितिक तंत्र के प्रथम पोषण स्तर पर रखा जाता है, बोला गया है सेवाल के बारे में बात हो रही है। जैव आवर्धन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव द्वितीय उपभोक्ता पर पड़ता है, ये सेकंड कथन ये है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, बाकी दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दिए गए कुड की सहायता से सही उत्तर भी बताना है आपको। पहला कथन बोल रहा है मैंग्रोव वन प्राकृतिक रक्षक कहे जाते हैं। दूसरा बोल रहा है, उसका रीजन ये बोल रहा है कि मैंग्रोव वन समुद्री तूफानों की प्रभाविता कम कर तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। कूट का मिलान करना है कि भाई AR दोनों सही है, RA का सही व्याख्या है, AR दोनों सही है परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। A सही है, R गलत है, A गलत है, R सही है, तो बताना है। 9th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देख करके पढ़ना पड़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही है, मतलब कथन भी सही है और उसकी व्याख्या भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9th का A। मिथिने ग्लोबनिया नामक रोग मुख्यतः कौन सा होता है, ठीक है। 10th नंबर का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों में होता ही है, ठीक है। और ये क्या है, इसको इसका दूसरा नाम आप पता होना चाहिए, जैसे इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोला जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, आपको ये पता भी होगा मुझे लगता है, ये MPPSC ऑलरेडी पूछ चुका कि जब पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना, तब ये सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो मिथेनो ग्लोबोनिमिया, ऐसे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इससे बच्चों में लार में बुलबुले बनने लगते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो ये जानकारी आपको निकल के आती है।
क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, क्या प्रयोग में लाया जाता है भाई? राइट आंसर बताना सीधा कि एक्स किरणें का यूज किया जाता है क्रिस्टलों की संरचना के बारे में जानकारी के लिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है बोला गया, ठीक है? ध्वनि की स्रोत तीव्रता और डेसिबल दिए गए कि साधारण बातचीत, फुसफुसाहट, ट्रक, मोटरसाइकिल, ट्रेन, जेट विमान, तो इनकी डेसिबल कितना होता है? 12th नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा डी, जेट विमान 100 से 250, इसने बोला है कि डेसिबल होता है, जो कि गलत है। इसका कितना होता है? 140 होता है, 140 से 150 डेसिबल तक होता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि रमन प्रभाव का संबंध है, क्या है रमन प्रभाव का संबंध, बताइए किससे है भाई? ये हो जाएगा सी से, सभी पारदर्शी माध्यम से गुजरने वाली किरणों से संबंध है इसका। नेक्स्ट है मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विलियम हार्वे। निम्नलिखित में से किस एक से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है, क्या है वो चीज़? ये हो जाएगा टायरोसिन, टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता ऊर्जा बढ़ाने में मदद मिलती है। कार्टेजेना जे प्रोटोकॉल है, जे सुरक्षा प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? कार्टेजेना 60 नंबर क्वेश्चन, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, अब देखिए बी हो जाएगा, ठीक है, 11 सितंबर 2003, 16 नंबर का क्वेश्चन है। और कार्टेजेना ये कहाँ पर, ये अगर पूछा गया आपसे तो फिर आप क्या बताएंगे? कोलंबिया में, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बोला है, ठीक है? गहन पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी निशे, तो ये मतलब ये अवधारणा किसने किसने दी, परिभाषित की, उसके बारे में बात की जा रही है, तो राइटर से बताओ कि कौन सा गलत है। ये हो जाएगा पारिस्थितिकी, ठीक है, जी टेलर नहीं है इसका, हो जाएगा पारिस्थितिकी से संबंधित कौन है, आपको पता होगा, मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा। अर्नेस्ट हेकल के बारे में बात हो रही है, इकोलॉजी, इकोलॉजी से संबंधित कौन है? अर्नेस्ट हेकल, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछा है, सही है, छोड़ो थोड़ा जोर दे करके पढ़ेंगे, और जब आप एग्जाम में बैठे तो ऐसे आप पेंसिल लेके जाएंगे, पेंसिल सभी को अनिवार्य रूप से लेके जाना है, और यहाँ पे क्वेश्चन जब पढ़ेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो सही है को अंडरलाइन करना है, फिर को इसको पढ़ रहे कथन कि वन के जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, तो आपने वन की अंडरलाइन फिर उसके बाद उल्टा बोला, तो इससे क्या होता है कि आपका माइंड प्रेजेंस रहता है वहाँ पे, नहीं तो कभी कभी क्या होता है हमारे अंदर कुछ बातें चलती रहती है, आप कुछ सोचते रहते हैं, तो हम ये उल्टा को सीधा पढ़ लेते हैं, बहुत लोगों के साथ ये समस्या हो जाती है, ठीक है, तो ऐसा आप अंडरलाइन करके पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो पहला बोल दिया, दूसरा बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के से अधिकतम होती है, ये बोला जा रहा है, तो 18 नंबर क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएगा, सभी को पता है। तो किसी भी पारिस्थिति तंत्र में एक निश्चित समय में आजीवी पदार्थों की उपस्थिति मात्रा कहलाती है, उपस्थित मात्रा क्या कहलाती है? 19th नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा खड़ी अवस्था, ठीक है। और अब इस यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी सोच रहे होंगे कि हम पढ़े कहाँ से, ही थोड़ा सा काफ़ी टफ लग रहा है, परीक्षा मंथन एनवायरनमेंट का सफिशियंट है, उसके बाद ज़्यादा कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव लगाना चाहते हो तो फिर अपना लूसेंट का जो आता है उसका ऑब्जेक्टिव लगा लो, परीक्षा मंथन का भी ऑब्जेक्टिव उसी में मिलता है, उतना सफिशियंट है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक, 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मैग्नीशियम के बारे में बात हो रही है, जो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस चेचक या स्मॉल पॉक्स का उत्तरदायी है, कौन सा वो वायरस है, वायरस का नाम पूछा है, लूसेंट का सीधा क्वेश्चन है, तो वेरिसोला या वेरियोला वायरस, वेरिसोला भी लिखा होता है कहीं पर और वेरियोला भी लिखा होता है, तो आप क्या बताएंगे इसका? वेरियोला वायरस, ठीक है। और चेचक के टीके खोज किसने की थी, आपको पता होना चाहिए, एडवर्ड जेनर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी गई थी, ग्रीन हाउस गैस इजी क्वेश्चन है, तुरंत बताएंगे राइट आंसर, जोसेफ फोरियर के बारे में बात हो रही है। ओडोंटोलॉजी, निम्नलिखित में से किस एक के अध्ययन से संबंधित है, ओडोंटोलॉजी 23, ये हो जाएगा अपना दंत विज्ञान से, ठीक है, दंत विज्ञान संबंधी ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी हो जाएगा। और फिर उसके बाद अपना जो है अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक। अंग विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, अच्छे से सुन लो, ऑर्गेनोलॉजी, ठीक है। और पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये हो जाएगा मायोलॉजी, ठीक है, सुन लिया होगा फिर से। दिन में ध्वनि का केवल ध्वनि के पास के क्षेत्रों में सुनाई देना, जबकि रात में दूर दूर तक सुनाई देना ध्वनि के किस गुण को दर्शाता है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, अपवर्तन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी के जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा, भाई बढ़ेगा घटेगा? 25 ये हो जाएगा, पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी मीटर में बताना है, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर का वहाँ पे ध्यान रखना, 13-15 में डिफरेंस हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। 26, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 9.46 × 10^15 मीटर। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है भाई,
27 राइट आंसर हो जाएगा इसका, तरंग एवं कण के समान। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम 28 ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्सम, एप्सम लवण आपने सुना होगा नाम, ये वही चीज़ है ठीक है। MgSO4 इसका फॉर्मूला होता है, MgSO4 तो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश सॉल्ट बोला जाता है, इंग्लिश सॉल्ट ठीक है, याद रखना, लिख लेना अगर कहीं लिखना हो तो। आगे बढ़ेंगे कि पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमन्य मात्रा कितनी होनी चाहिए पूछा गया है, 29th नंबर का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, 0.050 ppm ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको पता है कि कौन सा रोग होता है। अच्छा हाँ, ये आपको बताना है कि अगर पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाए तो कौन सा रोग होता है, आपको बताना है ठीक है। कैडमियम से इटाई होता है, तो फिर आप इस आर्सेनिक से बताना कि क्या होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है ठीक है, इसलिए पूछ रहा हूँ। सूची 1 सूची 2 दी गई है, मिलान करना, एक्रोलॉजी सीटोलॉजी जियोपोनिक्स इक्थियोलॉजी मिलान कीजिए, फिर राइट आंसर बताते हैं इसका ठीक। तो देख लिया होगा मुझे लगता है अभी तक, सी हो जाएगा राइट आंसर, तो इससे मिला लो कि एक्रोलॉजी से क्या हो जाएगा, घून का अध्ययन हो जाएगा ठीक है, फिर उसका सीटोलॉजी से हो जाएगा, ये हो जाएगा व्हेल और डॉल्फिन का अध्ययन ठीक, फिर हो जाएगा अपना जियोपोनिक्स, ये हो जाएगा जियोपोनिक्स किससे हो जाएगा, कृषि का अध्ययन, और इक्थियोलॉजी हो जाएगा मछलियों का अध्ययन ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नकली शराब पीने से हुई त्रासदी में जो सक्रिय एजेंट इस त्रासदी का कारण है वो कौन है, और सभी लोग को पता होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर ठीक है। तो मैथिल एल्कोहल होता है ये जो मिला दिया जाता है, मैथिल एल्कोहल ठीक है, याद रखिएगा, एथिल एल्कोहल से भी बनती है शराब, लेकिन जब मैथिल एल्कोहल जो होता है वो जहरीला होता है, एथिल एल्कोहल से शराब बनती है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अपन शराब बनाने बैठ जाएंगे। नेक्स्ट है कि जब यूरेनियम का नाभिक न्यूट्रॉन के साथ बमबारी करता है या लगभग समान द्रव्यमान के दो हिस्सों में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इजी क्वेश्चन है, तो सभी को पता है, सी हो जाएगा विखंडन। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल है, कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल है, ये बारे में पूछा जा रहा है, कोयले के टाइप। 33 नंबर का क्वेश्चन है, जो एंथ्रासाइट है जो कि जम्मू कश्मीर में मिलता है भारत के ठीक है, इस क्षेत्र में पाया जाता है और खनन करने में काफ़ी मुश्किल होता है ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है, रासायनिक अपक्षय ठीक है, 34 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा कार्बोनेशन बी ठीक है। नेक्स्ट है लीन बॉडी मास क्या है पूछा, लीन बॉडी मास 35 नंबर का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मांसपेशी हड्डी और शरीर के अन्य गैरवसा उत्तक लीन बॉडी मास होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है, स्वच्छ ईंधन का उदाहरण पूछा है ठीक है, अब इसको गलत अगर किसी ने किया तो फिर बहुत पिटाई होगी आप लोगों की। 36 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बी प्रोपेन ठीक है, बाकी सब स्वच्छ ईंधन में नहीं आएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक एंटी फ्रीज के रूप में प्रयोग किया जाता है, एंटी फ्रीज 37 नंबर का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा बी मिथाइल एल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक अम्ल, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है पूछा गया, 38 नंबर का क्वेश्चन है, 38 राइट आंसर हो जाएगा ये सी एसिटिक अम्ल ठीक है। नेक्स्ट है कि दंत वल्क निम्नलिखित में से एक कैल्शियम यौगिक से बना होता है, 39 नंबर का क्वेश्चन है, दंत वल्क क्या होता है ये पूछा जा रहा है, किससे बना होता है, डी कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक जैव निम्नीकरण प्रदूषण है, दो प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, अगर नहीं पता है तो जाकर के पढ़ लेना, उससे आपका एक दो क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना है ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, तो 40 का राइट आंसर आपको पता होना चाहिए बी हो जाएगा, तापीय प्रदूषण से निकली ऊष्मा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन जब समुद्री मैंग्रोव और आर्द्र परितंत्रों की वनस्पतियों के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है तो इन परितंत्रों में उपस्थित कार्बन कहलाता है, क्या कहलाता है, 41 ये हो जाएगा ब्लू कार्बन ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन एक दिया है उसकी व्याख्या दी है, वो सही है गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है बताना। पहला कथन बोल रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है मीथेन को सीधे प्रयोग में लाया जा सकता है ये बोल रहा है सेकंड। 42 नंबर का क्वेश्चन देख लो भाई क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ए गलत है दूसरा सही है ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको LPG बोला जाता है इसकी व्याख्या बता देता हूँ, जो LPG होता है ना इसका प्रमुख घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है ठीक है, पहली बात तो ये है द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको इसमें हिंदी में लिख दिया आप, इसको LPG इंग्लिश में होता है तो आप पकड़ लेते हैं, हाँ LPG में तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है तो मीथेन तो होता ही नहीं है, फिर कैसे हम लोग मान लेंगे, तो ये कथन आप पकड़ लेते, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि इतनी क्लिष्ट हिंदी लिख देंगे कि आपको समझ में ना, तो जाकर के साइड में हिंदी इंग्लिश लिखा रहता है ट्रांसलेशन वो देख लेना एक बार ठीक है, यहाँ पे इसलिए ये बता दिया मैंने, बाकी चीज़ तो फिर आपको समझ में आ रहा है ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे खाद्य परिरक्षक का प्रयोग मृदु पेय में किया जाता है, खाद्य परिरक्षक 43 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा सभी को पता है सोडियम बेंजोएट के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बोला गया। ठीक है, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन। साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल, इसमें से बोल रहा है कि किसमें किसमें पाया जाता है, कौन सा ऐसा है जो कि गलत है। 44 तो राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, अंगूर। अंगूर में भाई साइट्रिक अम्ल नहीं होता है, टार्टरिक अम्ल होता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, और अन्य सभी तो ठीक ही है। निम्नलिखित में से किसी को प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से जानता है, प्लास्टिक विस्फोटक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है। इसको बोलते हैं CRDX। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। इसका केमिकल नेम साइक्लोट्राइमिथाइल ट्राइनाइट्रामाइन होता है इसका नाम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से सुनना, साइक्लोट्राइमिथाइल ट्राइनाइट्रामाइन। ठीक है, प्लास्टिक विस्फोटक है और इसकी खोज किसने की थी, लिख देता था कि आपको याद रहे, हेनिंग ने इसकी खोज की थी, हेनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की गति निर्भर करती है किस चीज़ पर निर्भर करती है भाई, बताइए। ये हो जाएगा माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तरंगों को उनके बढ़ते तरंग दैर्ध्य के रूप में व्यक्त करने में कौन सा एक विकल्प सही है, पूछा गया है, बताइए। ये तो क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छा। राइट आंसर इसको हो जाएगा एक्स किरण, फिर पराबैंगनी, फिर दृश्य। न्यूटन ने खोज की थी दृश्य किरणों की। एक्सरे और पराबैंगनी की खोज किसने की थी, आप लोग को कमेंट करके बताना। जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ये घटना बताना है, घटना का नाम क्या है। तो इजी क्वेश्चन है, सभी को बताया अपवर्तन की घटना है, सिक्का उठना, ऊपर दिखना, मछली उठी हुई दिखना, ये सब चीज़ें, ये छड़ी मुड़ी हुई दिखना, ये उदाहरण देख के रखो सबके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय सेल का उदाहरण है, सेकेंडरी सेल के बारे में बात हो रही है। 49 नंबर का क्वेश्चन, इमरजेंसी लाइट के बारे में बात हो रही है। 49, ठीक है। नेक्स्ट है कि केसनली में कोई द्रव किस सीमा तक चढ़ेगा और यह निर्भर करता है केशनली के किस चीज़ पे हो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये हो जाएगा त्रिज्या के ऊपर। ठीक है, अगर केशनली बहुत मोटी होगी तो वो जल नहीं चढ़ेगा, इसलिए पतली होना बहुत जरूरी है। दो कथन दिए, बताना वही चीज़ की भाई, पहला कथन जो है दूसरे कथन की व्याख्या करता के लिए। यदि कोई व्यक्ति झूला झूलते समय खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाता है, बोल रहा है। रीजन बोल रहा है कि खड़े होने पर गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है और प्रभावी लंबाई बढ़ जाती है, इस वजह से ये बोल रहा है साहब। तो इसमें बताना है कि आपको क्या, बताइए पहला दूसरा सही है, व्याख्या सही है कि नहीं है। सी हो जाएगा इसका, ए सही है परंतु व्याख्या गलत है। व्याख्या कैसे गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये क्या बोल रहा था कि प्रभावी लंबाई बढ़ जाती है, जो कि बोल रहा है ये गलत है। प्रभावी लंबाई बढ़ेगी नहीं, घटेगी, ठीक है। इस वजह से आवर्तकाल, जिससे झूले का आवर्तकाल जो होता है वो घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप सभी को होता है 52 नंबर का राइट आंसर 310 केल्विन में पूछा है, तो फिर आप फंस जाते हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है बहुत सारे, इसलिए वो सी बाय 100 वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखना, ठीक है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से चलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि, 53 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर बता दो। ये दो में से ये हो जाएगा जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है, और तो फिर यहाँ से ये बता दो कि गुप्त ऊष्मा कितनी होती है जल और भाप की, राइट करके बताना, ठीक है, कमेंट में। सूची एक कुट सूची दो का मिलान करना है, वैज्ञानिक और आविष्कारक के नाम लिखे गए हैं तो उसका मिलान कीजिए। यहाँ पर मेघनाथ साहा, सत्येंद्रनाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा, ठीक। 54 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर बता दो। राइट आंसर हो जाएगा इसका, मिलान कर लिया को मुझे लगता है। तो पहले देख लो कि मेघनाथ साहा ने क्या किया भाई, ताप में तापिक आयनन के बारे में बात की थी इन्होंने, फिर उसका सत्येंद्रनाथ बोस का तो पता है क्वांटम सांख्यिकी से संबंधित है। जेसी बोस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपना अति लघु रेडियो तरंग से संबंधित हो जाएगा, और होमी जहांगीर भाभा कास्मिक विकिरण का सोपानिक क्रम। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जो कि सत्य के बारे में बात की जा रही है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, बोल रहा है। इसके निवारण के लिए उपयुक्त तो फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर कौन सा सही है कौन सा गलत है। निकट दृष्टि दोष के बारे में बात हो रहा है तो इसमें केवल एक ही सही होगा, ठीक है, सेकंड गलत हो जाएगा। उत्तल लेंस आपने को पता है कि दूरदृष्टि दोष में यूज होता है, तो यहाँ पे अवतल लेंस यूज होना चाहिए था। नेक्स्ट, ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों का कालिस्थान क्या हो जाता है। 56 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है, पूछा गया। 57 नंबर का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा तारों में उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है, ठीक है, गलत है ये। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और क्लिष्ट हिंदी लिख दो जिससे कि बच्चों को समझ में ना आए। 58 नंबर का क्वेश्चन देख लो, डी हो जाएगा इसका, विटामिन के बारे में बात हो रही है। रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात हो रही है, ये ब्लड का क्लॉटिंग करता है। क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, देखो दो चीज़ समझ लो, जैसे कि आपका हाथ पैर कहीं पे कुछ लग गया, कुछ भी लग गया तो वो खून बहता, खून बहेगा, ठीक है, खून बहता रहेगा तो फिर
फिर तो अगर ये लगातार भेज सकता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो जहाँ पर भी आपको कटा हुआ है, कट गया है कुछ, तो वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, तो इसके क्या होता है कि आपको जो ब्लड है वो फ्लो होना बंद हो जाता है, बाहर निकलना बंद हो जाता है, तो इसलिए विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा विटामिन के का और भी यूज़ होता है कि भाई जो अपना जो वेंस होती है ये है ना, जो अपने जो धमनियाँ होती है उसमें ब्लड फ्लो होता है, तो वहाँ पर भी आपको ब्लड ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना तो ज़्यादा मोटा गाढ़ा होना चाहिए। अगर ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो उसे हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है, इसलिए विटामिन के का जो उपभोग है वो संतुलित मात्रा में यूज़ किया जाना चाहिए। कभी कभी कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये पूछ ले कि ब्लड थिनर, थिनर मतलब ब्लड को जो पतला करता है वो कौन सी टेबलेट लेते हैं हार्ट पेशेंट जो होता है, उसको बोलते हैं वार्फ के नाम से आती है ये टेबलेट, याद रखना, ठीक है, ब्लड थिनर है ये, और ज़्यादा ब्लड अगर पतला हो जाए तो विटामिन के दिया जाता है उसको, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा डॉक्टर लैंग्वेज में बता दिया ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी, एटलीस्ट थोड़ी सी अंदर की जानकारी पता होनी चाहिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, पूछा 59 नंबर क्वेश्चन, तो ये जगह सभी सुमेलित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेकेलाइट के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कूट के माध्यम से करें, 60 नंबर क्वेश्चन है, तो ये जगह इसका राइट आंसर केवल दो सही है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है कौन, बेकेलाइट, ठीक है। और ये थर्मोप्लास्टिक लिखा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, पदार्थ और उपयोग दिया गया, एलिथ्रिन, रोडेंटिसाइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, पायरेक्स कांच, 61 राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, जो कि गलत है। इसमें लिखा है इसने कि पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन लिखा हुआ है, जो कि पायरेक्स कांच नहीं करता, वो कौन सा करता है, क्रुक्स कांच, आपने सुना ही होगा क्रुक्स कांच, ठीक है, वो उसके लिए यूज़ होता है। कूट दिया है, कथन दिया है, उसकी कारण दिया गया है, पादप वसा को पचाना आसान होता है, और व्याख्या बोल रहा है कि अधिकांश पादप वसाएं संतृप्त होती है, तो वसाएं जो होती है वो एक तो सैचुरेटेड होती है, नॉन सैचुरेटेड होती है, ट्रांस होती है, तो ये तीनों के बारे में बेसिक डिफरेंस देख लेना, ठीक है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। तो आर इसलिए गलत है क्योंकि संतृप्त नहीं है ये, ठीक है, असंतृप्त अगर लिखा होता तो सही हो जाता, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सूची एक सूची दो का मिलान करना है, सूची एक में कुछ दिया है नेफ्रॉन एपिथिलियम पेरिटोनियम और भी कुछ दिया हुआ, तो यहाँ पर आप तीन को देख लो पहले, फिर उसके इधर भी देख लो क्योंकि कूट का मिलान हो सकता है, यूरोक्रोम, ठीक। तो इसको थोड़ा छोटा भी करेंगे तो फिर भी एक स्क्रीन में नहीं आएगा, तो इसको देख लो पहले तुम, 63 नंबर क्वेश्चन इधर देख लीजिए, 63, ठीक। तो इससे यहीं पर बता देता हूँ कि नेफ्रॉन जो होता है उत्सर्जन की इकाई होती है, आपको पता है किडनी की जब सबसे छोटी यूनिट होती है नेफ्रॉन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एपिथिलियम के बारे में बात हो रहा है, तो आंत के अंदर की परत होती है, ठीक। और पेरिटोनियम की बात कर तो वृक्क के चारों ओर की जो झिल्ली होती है, वृक्क मतलब किडनी के चारों ओर की जो झिल्ली होती है उसको पेरिटोनियम बोला जाता है। और फिर बात रही अपनी यूरोक्रोम, तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम की वजह से ही होता है, ठीक है। और जो पीला रंग होता है वो ये भी दर्शाता है कि आपके बॉडी में पानी भी कम है, तो पानी सफिशिएंट मात्रा में लेना चाहिए, यदि आप गर्मी के दिनों में तो खासकर आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोल पाउडर भी पी सकते हैं आप, कभी कभी एक दो दिन में इलेक्ट्रोल पाउडर पी सकते हैं जिससे मिनरल्स की आपको कमी नहीं हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गॉल्जीकाय का प्रमुख कार्य है, गॉल्जीकाय का प्रमुख कार्य, 64 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न पदार्थों एंजाइम्स का श्रावण करना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और ये दिया है कि भाई लाइकन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, लगभग सही लग रहा है आप लोग को भी पढ़ने में, सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं का भी इनकी वृद्धि का दुष्प्रभाव पड़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाएगा तो इनकी वृद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये बोला जा रहा है, 65 तो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, ए। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, पूछा है, देख लो यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड लिखा हुआ है, लेड ऑक्साइड लिखा है, मर्क्यूरिक क्लोराइड लिखा है, मर्क्यूरिक सल्फाइड भी लिखा हुआ, तो 66 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा लग रहा होगा टफ है लेकिन बाकी ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आपको आंसर बता देंगे अभी, कौन सा सही सुमेलित है पूछा है, 66, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, मर्क्यूरस क्लोराइड, केलोमल बोला जाता है जिसको, ठीक है। और जो लेड ऑक्साइड होता है वो उसको बोला जाता है लिथार्ज बोला जाता है, लेड ऑक्साइड को बोला जाता है, ठीक है। और ठीक है, बाकी चीज़ें तो आपको पता ही होगी।
आगे बढ़ते हैं। वाइट लेड किसको बोला जाता है? बेसिक लेड कार्बोनेट को, ठीक है। लेड कार्बोनेट जो होगा इसमें है नहीं, इसलिए यहाँ बताना संभव नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1986 का संबंध और बेसिक जानकारी बोल रहा है कि 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लागू करने हेतु पास किया गया था, और सेकंड बोल रहा है कि कानूनी स्वैच्छिक है, इसके तहत दंड का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन देखो यहाँ पर और फिर बताइए। 67 राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है, ठीक है, और इसमें दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ये इसमें बोल रहा है कि नहीं किया गया, जो कि गलत है। 68 नंबर का क्वेश्चन है, टाइम कितना हो गया, 626 नंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन इतने हैवी होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, इस वजह से आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। कौन सा बायोम आप सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम है, ठीक है। 68 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा एक पोटेशियम लवण के रूप में वनस्पतियों में पाया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर ऑक्जेलिक अम्ल। थोड़ा सा तेजी चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस हार्मोन को एपिनेफ्रिन कहा जाता है। यह बोल रहा है कि यह हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। उपर्युक्त कथन किसी एक हार्मोन के संबंध में बात हो रही है। 70 नंबर क्वेश्चन, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एड्रीनलिन, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन में भी बोला जाता है इसको, याद रखना। निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा एक स्टार्च को जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। 71 राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज के बारे में बात हो रही है। फिर कथन और कूटा के, तो इस टाइप के क्वेश्चन में फिर टाइम लगता है ना। कथन एक बोल रहा है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा बोल रहा है यकृत वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। तो यकृत वसा पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, किसके विरुद्ध कार्य करती है। ये हो जाएगा शरीर में ऊष्मा की हानि होने से बचाती है, इसलिए वसा लेना सफिशियंट मात्रा में वसा फैट के बारे में बात हो रही है कि लेना अनिवार्य होता है। मनुष्य में होने वाले जीवाणु जनित रोगों का सही समूह बताना है। 74 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक, मेनिनजाइटिस और निमोनिया जीवाणु से होने वाले रोग का सही है ये, ठीक है। तो ट्रिक बनानी पड़ेगी, ऐसे तो फिर कभी नहीं बनने वाला। निम्न पर विचार करना है और करिए विचार। तांबा, क्रोमियम, जिंक, निकल, और ये बोल रहा है कि किनका प्रयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा इसका 3 और 4, ठीक है, क्रोमियम निकल के बारे में बात हो। निम्न युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, मतलब गलत मिलान किया गया, पपीता, हल्दी, चुकंदर, सेब। 76 नंबर क्वेश्चन है, तो सी हो जाएगा ये, चुकंदर। चुकंदर में बोल रहा है कि विटामिन, ठीक है, ठीक है, ये सी, चुकंदर तो विटामिन सही है। सेब की बात कर रहा है, सेब गलत है, कैरोटीन नहीं होता, गाजर में कैरोटीन होता है, सेब में क्या होता है, एंथोसाइनिन होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एंथोसाइनिन कहाँ में होता है, एंथोसाइनिन सेब में होता है, ठीक है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फास्फोरस P32 का प्रयोग ल्यूकेमिया उपचार हेतु किया जाता है। ल्यूकेमिया क्या है आपको पता है, WPC होता है, WPC में, अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे तो वीडियो बड़ा बनाएंगे। रक्त प्रवाह की गति मापने हेतु रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है, सत्य कथन का प्रयोग करना है। तो 77 नंबर का क्वेश्चन है, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। हाइड्रोफोबिया, इसमें पानी से डर लगता है बोल रहा है, रेबीज का पुराना नाम है। इसका मुख्य कारण एक विषाणु है जो केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। कौन सा सही है? 78 राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। मानव के मूत्र में एल्बुमिन आना प्रमुख संकेत किस चीज़ का है? 79 नंबर क्वेश्चन है, यह हो जाएगा राइट आंसर, वृक्क के फेल होने का कारण है कि एल्बुमिन आने लगेगा, ठीक है। और इसको एक चीज़ें थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है कि इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोला जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोला जाता है यदि मानव के मूत्र में एल्बुमिन आना शुरू हो जाए तो। निम्नलिखित में से किसी एक योगी को मीरबेन का तेल बोला जाता है, मीरबेन का तेल, और ये शायद मुझे लगता है कि आप लोगों ने सुना होगा क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, मीरबेन का तेल बोला जाता है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है भाई, पता है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोटक के, TNB के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और TNB क्या है? एक विस्फोटक। सूची एक सूची दो का मिलान करना है। लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, ईस्ट एस्परजिलस, यहाँ से थोड़ा सा इस टाइप से शायद समझ में आ जाए आपको। 81 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो, तो यहीं पे बता देता हूँ। लैक्टोबैसिलस किससे संबंधित हो जाएगा, अपना दही से, थर्ड हो जाएगा, ठीक है, इसका थर्ड हो जाएगा। राइजोबियम की बात करेंगे तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, तो फोर्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद ईस्ट किससे हो जाता है भाई, एल्कोहल के उत्पादन में यूज्ड होता है, तो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर एस्परजिलस की बात करें तो साइट्रिक अम्ल बनाने में हो जाएगा, ठीक। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर सी हो जाता है। सूची एक सूची दो दी गई, मिलान करना है। पीलिया, पोलियो, हर्पिस, रोहा, ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन, मिलाइए।
राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा अपना यकृत संबंधी रोग, ठीक, पोलियो हो जाएगा तंत्रिका पेशी रोग हो जाएगा, हर्पीस के बारे में बात करें त्वचा रोग, और रोहा की बात करें नेत्र संबंधी रोग हो जाएगा, ठीक है। 82 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में से किस एक के अतिस्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, 83 नंबर का क्वेश्चन है, मिलाइए, राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर इंसुलिन ज़्यादा हो तो भाई अतिस्रवण मतलब ज़्यादा हो तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और कम हो तो डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज़ 1 और 2 में क्या डिफरेंस है ये बताना है आपको कमेंट करके। विटामिन के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपापचय क्रिया में यह आवश्यक सहकारी है। दूसरा बोल रहा है विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का भंजन करते हैं। थर्ड बोल रहा है कि शरीर में विशिष्ट प्रोटीनों के संयोजन के रूप में इनका कोई योगदान नहीं, बोल रहा है मिलान करो। 84 राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, केवल 3 जो कि इसका कथन असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से एक को भोजन जनित विष है, कौन सा भोजन जनित विष है पूछा गया, 85 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बोटुलिनम टॉक्सिन, ज्योति तीव्रता का मापा पूछा गया है और इजी क्वेश्चन है तुरंत बताएंगे। 86 नंबर का आंसर हो जाएगा कैंडेला के बारे में बात हो रही, ज्योति कैंडेला लेके घूमती है, ये हो जाएगा इसी ट्रिक। कूट का मिलान करना है, कथन दिया कारण दिया सॉरी, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े बनते हैं, जल में साबुन घोलने पर उसको पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, व्याख्या कौन सी क्या सही है, 87 का राइट आंसर बता देते हैं, ये हो जाएगा सी, मतलब ए सही है परंतु आर गलत, मतलब उसके व्याख्या गलत है बोल रहा है। तो साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बड़े बनते हैं क्योंकि साबुन डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, न कि बढ़ा देते हैं, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ो, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, धोने का सोडा 88 राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, बेकिंग सोडा खाने में यूज़ किया जाता है, इसका मतलब ये है। निम्न में पर विचार करना है, इथेफोन एथिलीन कैल्शियम कार्बाइड एड्राजिन, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से फलों को पकाने में सहायता प्रदान करते हैं, 89 नंबर का क्वेश्चन है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1, 2, 3 इथेफोन एथिलीन कैल्शियम कार्बाइड। प्रतिवर्ती क्रिया और रिफ्लेक्सेशन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है, 90 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा कशेरुक, कशेरुकी रज्जू में, ठीक है। स्पाइनल कोड के बारे में बात हो रही, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं, 91 राइट आंसर हो जाएगा वेक्टर के बारे में बात हो रही। ये तो आप जब कोविड का जो वायरस पढ़ रहे थे तब आपने ये सुना होगा वेक्टर। निम्न में से कौन सा कथन पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है, ऑप्शन देखो राइट आंसर बताता हूँ, 92 ये हो जाएगा सी, जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, बोल रहा है चक्री नहीं होता, ये एक दिशा में होता है, ठीक, एक दिशा में होता है, ये जान लो। आगे बढ़ो कि नीलगिरी तहार के नाम से प्रसिद्ध मेघ बकरिया पाई जाती, कहाँ पाई जाती, 93 राइट आंसर हो जाएगा इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, पहला भितरकनिका ब्राह्मणी एवं वेतरणी नदी के संगम पर स्थित है, भितरकनिका पार्क के बारे में बात हो रही। आयुष्यन संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है, और उपयुक्त कथन में से असत्य कथन का चयन करना, 94 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 गलत है, आयुष्यन इसका अभिन्न अंग नहीं है, ठीक है। एक प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतन मतलब संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक के रूप में इसका दर्जा प्राप्त हुआ है, इसका मतलब इसका अभिन्न अंग नहीं है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो रही है कि ये स्थित है कहाँ पर, 95 नंबर का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा राइट आंसर इसका बिजनौर के बाद बात हो रही है, 95 बिजनौर, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं, कौन सा जीव है ऐसा, 96 नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा हाइड्रा के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ना तो इसमें रक्त प्रणाली होती है ना ही इसमें श्वसन अंग होता है, ठीक है। और श्वसन इसमें किसके माध्यम से होता है, विषरण के माध्यम से होता है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी में थोड़ा सा डेप्थ में इसमें पूछा गया है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है, मेंढक एक कोल्ड ब्लड जंतु है, 97 ये डी हो जाएगा, ना तो एक सही है ना तो 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वर्ण अंधता के संदर्भ में गलत है, वर्ण अंधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो राइट आंसर बता देते हैं, ये हो जाएगा सी, यह एक रोग प्राय स्त्रियों में पाया जाता है, ये गलत है, ये पुरुषों में पाया जाता है और स्त्री इसकी वाहक होती, वाहक, ठीक है, वाहक।
और इसको एक और वर्णांधता का, जैसे अपन ने अभी बताया कि कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है, तो इसको एक और चीज़ बोला जाता है कि डेल्टोनिज्म भी बोला जाता है। डेल्टोनिज्म ये लिखा हुआ जो है, ये याद रखना। डेल्टोनिज्म साधारण मानव में गुणसूत्र होते कितने होते सभी को पता है, इसका राइट आंसर 46 हो जाएगा, 23 जोड़ी। ऐसे भी याद रखना कि 23 जोड़ी जोड़ी बोला है कि भाई क्या बोला है, गुणसूत्र याद रखना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यह हो जाएगा बारबरा मैक्लिंटॉक ने। तो आज के वीडियो काफ़ी थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन वो इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी थोड़े से अच्छे थे, थोड़े टफ थे। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग को कमेंट करके बताना है, और बुक्स वही फॉलो करना है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ स्ट्रेटजी के वीडियो में। बाकी आप तो वन लाइनर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे लगते हैं जो कि उससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको उसको देखना है अच्छे से, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद यूनिट 2 फिर 9-10 आ जाएगा, जल्दी से जल्दी आ जाएगा, 1-2 दिन में आपको ये तीनों वीडियो मिल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद FLT स्टार्ट करते हैं आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।